जब से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया कि वो 50% जो रिजर्वेशन का सेलिंग जो लगी हुई है उस पर जो एम्बार्गो लगा हुआ है उसको हटाएगी इक्तदार में आने के बाद, फिर उसके बाद जाति जनगणना यानी वो फर्ज जो शुमारी उसको कहते हैं कास्ट सेंसस जो है, जात पात की शुमारी वगैरह, इस तरह के जो सामाजिक इंसाफ के जो नारे हैं, जब इसका वादा कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किया तो आरएसएस और बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि ये नस्ली तफवुक के नज़रिए की जमात है। वो चाहती है कि इस मुल्क में जो है उनका जो जात पात का निज़ाम है वो बरकरार रहे और सामाजिक इंसाफ यहाँ पर कायम ना हो। इसीलिए उन्होंने जो है, जाहिर बात है, उन्होंने इसको हम निशाना जो है मुसलमानों को बनाना शुरू कर दिया, मुस्लिम रिजर्वेशन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये उनकी बहुत ही सोची समझी जो है हिकमत अमली होती है। जब भी कोई मसला आता है यानी वो अपने हम मजहबों के साथ इंसाफ नहीं देना चाहती है और उसका निशाना जो है मुसलमानों को बनाया जाता है। जैसा मंडल कमीशन जब सिफारिश नाफिज की गई तो आडवाणी साहब जो है अपनी खूनी यात्रा ले निकले थे, जिसके नतीजे में सैकड़ों जाने गई, सैकड़ों बच्चे यतीम हुए, हर जगह उनकी जो यात्रा थी वो खून के धब्बे छोड़ते चले गई, निशाना छोड़ते चले गई। वो मस्जिद भी शहीद हुई। किसी ने सच कहा था, मैंने भी अपने एक मज़मून में लिखा था, अगर ये मंडल कमीशन की सिफारिशात नाफिज नहीं होती तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, बाबरी मस्जिद का मसला नहीं उछलता। तो ये जो हिकमत अमली रही है आरएसएस और बीजेपी की कि जब भी कोई सामाजिक इंसाफ का नारा सामने आता है तो वो मुसलमानों को सामने खड़ा कर देती है, उनको निशाना बनाना शुरू कर देती है। वजीर आजम साहब ने और जो भी इलेक्शन की जो रैलियां हुई हैं, जो जलसे हुए हैं, उसमें ख़ास तौर से मुसलमानों को रिजर्वेशन को बहुत निशाना बनाया। अभी हाल हाल में कुछ दिन पहले ही अमित शाह साहब जो वजीर दाखिला है महेंद्रगढ़ में हरियाणा में भी उन्होंने निशाना बनाया ये हिंदुओं को डराने की कोशिश की कि कांग्रेस की हुकूमत जो है, कांग्रेस अगर इकतदार में आई तो वो हिंदुओं का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे देगी। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शब्बीर अंसारी साहब, जो एक तवील अरसे से ओबीसी जो तबकात है मुसलमानों को उनको रिजर्वेशन दिलाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें बड़ी हद तक उनको मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाबी मिली है, लेकिन अभी मंजिल मकसूद बहुत दूर है। शब्बीर अंसारी साहब, सालार के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ये जो इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना दिया गया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, जबकि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो पसमानदगी के बुनियाद पे मिला हुआ है। जो तबकात जहाँ पर भी कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है या केरला में है, तो ये जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मुस्तकल हो रही है, तो उसको किस तरह किस नज़र से देखते हैं आप? मिस्टर साहब, एक बात तो आपने बहुत अच्छी जो अडवाणी के बाद में की थी कि जब मंडल आया तो कमंडल बाहर आया और वो कमंडल की वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, इसमें कोई शक नहीं। मंडल कमीशन की सिफारिशात जो थी एज इट इज, जो वीपी सिंह ने उसको मंजूर किया था, नरसिम्हा राव अगरचे उसको एक्सेप्ट कर लेते तो ये सारी बातें जो आज नजर आ रही वो नहीं हो सकती थी। मगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में 1993 में जो मंडल सिफारिशात को लीगली बताया गया है, दस्तूरी बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया, जिसको चैलेंज किया गया था कि दस्तूरी नहीं, मगर 9 जजेस की बेंच ने मंडल कमीशन की सिफारिशात को लागू किया और उसके बाद में इंडिया के, हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में उसके ऊपर अमल आवरी हुई, जिसमें मुसलमान बिरादरियों को काफी फायदा पहुंचाया। हमारी जो लड़ाई थी यही थी कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 में जो तरतूद की थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आइडेंटिटी है, पहचान है, शनाख्त है, पर ओबीसी कौन होगा इस मुल्क में, इसकी शनाख्त नहीं थी, इसके लिए कमीशन बनाया जाए। पहला कमीशन काका कालेलकर बना गया, मगर उस वक्त ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही उसको सर्द खाने में डाल दिया। उसके बाद 1961 में स्टेट्स को पावर्स दिए गए, फिर मंडल कमीशन कर्पूरी ठाकुर की एक जिद थी, उसने किया, जनता दल का दौर आया, उन्होंने बनाया, वो फिरा और उसके बाद में ये बातें हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ये हमारी लड़ाई पहले से थी कि ये कास्ट नहीं है, ये क्लास है, क्योंकि मंडल ने जहां जहां भी ये बात लिखी है
उसमें दो बातें लिखी है उसने, कास्ट और क्लास। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है वो कास्ट और क्लास है, ये क्लास है, क्योंकि हिंदुओं में जातियां है, मुसलमानों में जात नहीं। इस्लाम वो मजहब है जिसने 1400 साल पहले मसावत दिए, जी मगर इनमें पेशे हैं, जी वो कुन्नियत है, उनकी पहचान है, और उसको क्लास कहा जाता था। और वही लड़ाई मैं 1980 से लड़ रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली 7 दिसंबर 1994 में, जब महाराष्ट्र के वजीर आला शरद पवार थे, उनको हमने समझाया कि कास्ट और क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। तो उन्होंने जो जीआर निकाला, कि उन्होंने ये इतना अच्छा जीआर निकाला कि मजहब को उससे दूर कर दिया है, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, जो भी इस जुमरे में, जो भी इस कैटेगरी में आता है उसको सहूलत मिलना चाहिए। वहां से मुसलमानों का दरवाजा ही खुल गया है और हर जगह उन्होंने उसका बेनिफिट लिया। महाराष्ट्र में तो खास तौर से उन्होंने तालीम में तो बहुत ज्यादा, नौकरियों में उन्होंने लिया, सियासत में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इतना ज्यादा फायदा नहीं दिया होगा जितना महाराष्ट्र ने इस मंडल कमीशन ने जो सिफारिशात की थी, और पसमानदगी की मुसलमानों ने, उन्होंने उसका फायदा लिया। ये बात सच कह रहे हैं आप कि इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और ये जो इलेक्शंस हुआ है पार्लियामेंट का, इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जिस गलत अंदाज से, जो जहां जहां जाते थे मुसलमानों के बारे में ये कहा कि भाई ये कांग्रेस वाली हुकूमत, अगर जो कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएंगी, क्योंकि तो उसकी वजह एक थी कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आई और उसने ये एक्सेप्ट भी किया कि हमारी पार्टी की गलती हुई और उस पर माफी मांगा है। राहुल गांधी ने अपने कई स्पीच में माफी मांगा है कि हुई हमसे गलती, मगर जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी, जो आपने कहा है कि हम कास्ट, सबसे पहले कास्ट सेंसर कर देंगे। जिस वक्त इस मुल्क में 1933 से अभी तक कास्ट का सेंसस नहीं हुआ है, ये जिस दिन हो जाएगा, तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ वो सेंसस ही नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का है, मगर बाकी लोगों का सेंसस ही पता नहीं हुआ। नहीं है कि किसी जब ये सेंसस हो जाएगा, और राहुल गांधी ने इसको बहुत जोरदार तरीके से उठाया है कि मैं आप कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अगर जो कुछ काम करूंगा तो सेंसस का करूंगा, कास्ट सेंसस का करूंगा। जैसा ही उसने ये बात कही तो इन दम दना गए इनका, कर भाई अगर ये हो जाए तो फिर तो मसला ही सब खत्म हो जाएगा, पैरों के तले, जमीन के पैरों के तले खिसकना शुरू। और जो स्टेटमेंट अमित शाह और उन्होंने दिया कि ये जो कांग्रेस वाले जब हुकूमत आ जाएंगी ना, तो उन्होंने ओबीसी से नहीं, दलितों से हमको लड़ाने की कोशिश की कि दलितों का जो रिजर्वेशन है वो खत्म करके ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। ये उनके सब जगह स्टेटमेंट होते, हर जगह मुसलमान का नाम आता था कि मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट जैसी आएंगी तो जितनी प्रॉपर्टीज है ना आपकी, वो ले लेंगे और वही मुसलमानों को देना शुरू कर देंगे। ये कांग्रेस आएंगी तो इस तरीके से, आपके इनके जितने भी थे, और जहां जहां उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मैं हमारे महाराष्ट्र का एक बहुत ही अच्छा इलाका है बीड, जहां गोपीनाथ मुंडे एक सेकुलर आदमी रहा करता था, बीजेपी में था, उसकी बेटी अभी खड़ी थी और उसकी बेटी एमपी के लिए खड़ी थी और नरेंद्र मोदी आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो नहीं चाह रही थी कि मोदी वहां आए, वजह यही थी कि वो यही बोलने वाला है, और मोदी वहां आया और वो पंकजा मुंडे नाम की औरत वहां हार गई, जो कभी हारती नहीं थी, उसके बाप के जमाने से रिलेशन था, कि ये यही की वजह थी कि मोदी ने ये कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले, मुसलमानों को सब जमीन देने वाले हैं। उनको समझ गया कि राहुल गांधी अब इस बात को समझ चुका है और ये करेगा, तो इसके लिए आज जो भी माहौल हो रहा है, और हम सभी लोग हिंदू हो मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं, हमारे बिरादर वतन का हम जो बोलते हैं ना कि उनको जो है सहूलत वही हमको है, क्योंकि वो वही वजह करते हैं, हम वही करते हैं, उसी वही पेशे हम करते हैं। तो बिरादर वतन, मंडल कमीशन ने सबसे पहले, आरएसएस ने जो हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ा करने का काम किया था, मंडल कमीशन ने उसको तोड़ दिया, तोड़ दिया उस दीवार को तोड़ दिया, और उसने बोला कि बिरादर वतन हमारे जो है, जो फायदा लेते वो मुसलमान लेंगे, और वो फायदा मुसलमान ले रहे हैं, और वो दोनों एक साथ हो गए, बिल्कुल हकीकत ये बात है। तो अब इनके बात समझ में आ रही है कि मंडल पे तो इम्प्लीमेंट हो गया है और सेंसस हो जाएंगी, तो आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा बड़ा भयानक उनको नजर आ रहा है, इसके लिए वो सारी तस्वीर नजर आ रही, इसके लिए आज वो सा घबराए हुए हैं। और ये स्टेटमेंट,
आप पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका असल जो मैदान है कहा रहे हो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि 5% रिजर्वेशन कम से कम एजुकेशन में दे दिया जाए। कोई भी हुकूमत जो है वहाँ पे, ज़ाहिर है पिछली मरतबा तो वो 2014 के बाद तो वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आ गई, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आ गई थी, कांग्रेस और तीनों की मिलकर आई थी, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। तो ये डिमांड फिर से जो है रिवाइव हुआ है वहाँ पर। और दूसरी तरफ जो है मराठों की रिजर्वेशन की तहरीक भी चल रही है, तो ओबीसी अपने आप को ख़तरा समझ रहे हैं। तो ये जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हुई है वहाँ पर, तो उसको किस तरह से ये करेंगे? एक तरफ मुसलमानों का भी मुतालबा रिवाइव हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसें हो रही है, लोग ये कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह उसके मुदाकरे रख रहे हैं। दूसरी तरफ मराठों का रिजर्वेशन का मामला चढ़ा, तीसरी तरफ ओबीसी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे रिजर्वेशन को टच नहीं होना चाहिए। देखिए ये इस वक्त तो महाराष्ट्र में जो वो लड़ाई लड़ रही है मराठा समाज, और मराठा समाज भी कहता है कि जो ओबीसी को सहूलतें मिल रही वो हमको मिलना चाहिए, और वो गैर दस्तूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनली है और उसको वो मिल नहीं सकता है, वही लड़ाई है। और यही एक घबराहट ओबीसी में हो गई थी कि अभी जो हुकूमत इस वक्त जो है वहां की बीजेपी के साथ अलायंस में है, ये कुछ भी कर सकती है। इसके लिए आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है और दोनों तरफ से ये बड़ी एक लड़ाई चल रही है, एक ओबीसी में और दूसरी तरफ मराठा में। मुस्लिम रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं कि 5% उसने कहा था, मगर किसकी भी गवर्नमेंट हो वो मुस्लिम्स के बारे में कभी भी नहीं सोचते। देखिए मराठा के रिजर्वेशन के बारे में वापिस हाउस में रेजोल्यूशन पास किया, और जब कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 5% की बात की तो वो मैटर को उन्होंने वहां पर हाउस में लाया नहीं और लिया नहीं। उस वक्त मुसलमान जो हमारे रहनुमा थे, जो हमारे लीडर थे, वो मिनिस्टर थे, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे। बिल्कुल सही है, ये बात सच है कि कोर्ट ने एक थोड़ा सा बदलाव कि देना चाहिए, मगर मैं ये साफ तौर से बताना चाहता हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। धर्म और मजहब के नाम पर कोई चीज दी नहीं जा सकती है। आज जो मैं ओबीसी में काम कर रहा हूँ तो रूलर में अगर जो दही इलाकों में हम जाएंगे तो 100% से सब पेशे से मुंसलिक है, लोग पूरा फायदा ले रहे हैं। फिर वो कौन से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं? और जब मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हिंदू जागता है, और हिंदू जागता है तो फिर वो लड़ाई हम में होती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब ओबीसी में आपको मिल रहा है तो क्यों मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमान रिजर्वेशन को जो मिल भी नहीं सकता था। आंध्रा में अवेसी वगैरह जो बात करते हैं कहाँ मिला उनको? नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया उसने वहां पर आंध्रा में। वो इसके लगाकर वो जारी है, जब तक फैसला नहीं होगा दैट इज कंटिन्यूड, ओबीसी में हो रहा है। ओबीसी में, हाँ नहीं ओबीसी में हो रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। 5% जो रिजर्वेशन है ना, 4% कर दिया था वो, दे आर एंजॉयिंग ऑल द 4% रिजर्वेशन बेनिफिट इन एजुकेशन एंड इन जॉब्स, वो इन बोथ स्टेट इन तेलंगाना एंड। और उसको क्या है, सिर्फ वो स्टे दिया है कि भाई हम इसको रद्द नहीं करेंगे, जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक इस पर अमल होता रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आपका आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ, ये आपकी जद्दोजहद के हवाले से, ये मंडल नामा के उनवान से आपने किताब लिखी है, आप मुख्तसर ये बताएं कि इस किताब में आपने किन मौजूआत को टच किया, क्या आपने इसको बताने की कोशिश की है? ये मंडल कमीशन जो आया था तो मुसलमानों को पता ही नहीं था कि ये मंडल कमीशन है क्या और इसकी सिफारिशात क्या है। जब हमने मालूमात की और मुसलमानों को ये बात की तो उनको पता ही नहीं था, मंडल अपने लिए नहीं है, कोई बोलने के लिए। तब जब मंडल कमीशन मुसलमानों के पास भी गया तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ, दो लोग थे ऐसे, एक जेएनयू के डॉक्टर इम्तियाज, उन्होंने कहा कि हाँ इंतकाल हो गया, इंतकाल वो ये है मुसलमानों में ये जो बातें है। और एक मोइन शाकिर थे प्रोफेसर औरंगाबाद के, उन्होंने उसके बाद नहीं, हमको समझ में आया कि नहीं इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमने 1980 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाई और उसको मंडल की लड़ाई से जोड़ दिया, और मंडल की लड़ाई लड़ते कि भाई ये नहीं है, हमारा भी इसमें उतना ही जितना बिरादर वतन का हक है उतना ही हमारा भी है, और ये कास्ट नहीं है, क्लास पर है, मिलना चाहिए। वो लड़ाई लड़ रहा था मैं, और 15 साल मुझे मुसलमानों को समझाना पड़ा, मुसलमान समझने के लिए तैयार ही नहीं था
क्योंकि वो कमीशन बोले तो उसका गोपाल सिंह कमीशन बना, मगर मुसलमानों को मालूम नहीं कि गोपाल सिंह का, इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा कमीशन बनाई थी मगर जानते ही नहीं थे, करने ही करना चाहते थे। मंडल कमीशन के बारे में भी मुसलमानों में, रहनुमाओं में, लीडरों में कुछ बात नहीं थी। वो कैसे पहुंचा सकते, मुसलमानों में बेदारी कैसी आती, उसी लिए मैंने काम शुरू किया था। आज अल्लाह का फजल एजुकेट किया जाए, इसलिए कि आज अल्लाह के फजलोक्रम से महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में 27% जो हमारे बिरादर ने वतन को फायदा मिल रहा है, वही मुस्लिम ओबीसी को भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप साला से बात करने के लिए जनाब शब्बीर अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शब्बीर अंसारी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सदर है। ये जो यहाँ पर जो मुतालबा हिंदुस्तान की सियासत के जो कई जो उमूर होते हैं उनमें एक रिजर्वेशन एक अहम मसला है, एक अहम मामला है जिस पर जो है मुख्तलिफ जो जमातों को अपना अपना एक मौक़िफ़ पेश करना पड़ता है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से, यानी मुस्लिम रिजर्वेशन है सच नहीं बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम मुसलमानों में जो पसमानदा तबकात है, यानी पेशे के लिहाज से जो पसमानदा तबकात है उनको रिजर्वेशन दिलाने के सिलसिले में जो तहरीक जो जद्दोजहद कर रहे हैं उस पर जो है रोशनी डाल रहे थे। और उनका ये कहना है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम से अगर आप मुतालबा करेंगे तो उसके नतीजे में एक काउंटर रिएक्शन पैदा होता है, एक कम्युनल रिएक्शन पैदा होता है, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। और मंडल कमीशन की जो सिफारिशात है उस हवाले से जो भी रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।